Okay, so today we are going to start with the third function of the central bank, which is bankers bank and supervisor. बैंकों का बैंक है ये. इसका क्या मतलब? जो functions commercial bank या जो relationship commercial bank की हम लोगों के साथ है, general public के साथ है, वही relationship central bank डिफरेंट कमर्शियल बैंक्स के साथ एंजॉय करता है. ये बैंकों का बैंक है. हमारे लिए हमारा बैंक क्या करता है? हमारे पास सरप्लस फंड्स पड़े हैं, वो अपने पास रख लेता है, हमारा डिपॉजिट खोल देता है. इसी तरह से सेंट्रल बैंक, अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया का आरबीआई, बैंकों के पास अगर सरप्लस फंड्स हैं तो वो रख लेता है. ठीक है, हमें पैसों की जरूरत है. इफ वी नीड मनी, व्हाट डू? वी आस्क फॉर द लोन फ्रॉम द कमर्शियल बैंक. सिमिलरली इफ कमर्शियल बैंक्स नीड मनी, दे आस्क फ्रॉम आरबीआई. ठीक है, सो द रिलेशनशिप विच ऑल द कमर्शियल बैंक्स एंजॉय विद जनरल पब्लिक, आरबीआई एंजॉय विद कमर्शियल बैंक्स. ठीक है, सो एज अ बैंकर्स बैंक इट परफॉर्म्स थ्री मेन फंक्शंस. वन, इट इज अ कस्टडियन ऑफ कैश रिजर्व्स. लाइक आई टोल्ड यू, व्हेनेवर वी हैव अवर सरप्लस फंड्स और वी वांट टू डिपॉजिट अवर फंड्स विद द बैंक्स, हम बैंक की कस्टडी में रख देते हैं. इसी तरह से आरबीआई ने कंपल्सरी, अब हमारे पास तो ऑप्शन है, हम अपने पैसे रख सकते हैं, नहीं भी रख सकते, लेकिन आरबीआई ने कंपल्सरी किया हुआ है हर कमर्शियल बैंक को कि आप अपने डिपॉजिट्स का कुछ परसेंटेज हमारे पास रखेंगे. इस रेशो को क्या कहते हैं? कैश रिजर्व रेशो, CRR. एवरी कमर्शियल बैंक, मैं लिखवा दूंगी, यू जस्ट लिसन. एवरी कमर्शियल बैंक इज लीगली रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट सर्टन परसेंटेज ऑफ देयर डिपॉजिट्स विद आरबीआई. हु फिक्सेस दैट परसेंटेज? आरबीआई ओनली. बेटे, हम कमर्शियल बैंक में अपने पैसे रखते हैं. ठीक है, हमारे जस्ट वेट. सो टुमारो देर आर लॉट्स ऑफ कमर्शियल बैंक्स इन अवर कंट्री, सो एनी ऑफ द बैंक मे डू फ्रॉड विद अस. बट व्हेन वी नो दैट द बैंक इन विच वी आर हैविंग अकाउंट, इट्स सर्टन परसेंटेज ऑफ द डिपॉजिट इज इन द कस्टडी ऑफ आरबीआई, would you feel safe or not? You will feel safe or not? Why? Because now you know there is some body which is supervising the banks in which we are depositing our money. Usko koi regulate karne wala hai, uski custody mein hamare paison ki kuch percentage padi hui hai. Theek hai, to isiliye wo apni custody mein कुछ कैश रिजर्व सारे कमर्शियल बैंक्स के रखता है. और बेटे ये जो CRR बैंक्स ने रखी हुई आरबीआई के साथ, अगर इमरजेंसी हो किसी भी बैंक को तो वो इसको यूज भी कर सकता है. बैंक से वो आरबीआई को रिक्वेस्ट करके उससे ले भी सकता है. ठीक है, तो इसका मतलब आरबीआई जो है वो हमारे कैश रिजर्व का कस्टडियन है. उसने हम कर रहे हैं बैंकों का, ये बैंक है, बैंकों का बैंक कैसे है? क्योंकि इसने बैंकों से कुछ कैश रिजर्व्स अपनी कस्टडी में रखे हुए हैं. इससे क्या होगा? एक तो ये इनको लिक्विडिटी पोजीशन उनकी पता चलती रहेगी बैंक्स की इसको. ठीक है, साथ ही साथ लोगों का कॉन्फिडेंस बैंकिंग सिस्टम में रहेगा. इज इट क्लियर? सो यू कैन राइट इट डाउन इफ यू वॉन्ट. So as I told you, as a banker's bank,
central bank performs functions in three capacities. One, it acts as a custodian of cash reserve. Secondly, it acts as a lender of last resort. Lender of last resort. See, what does a commercial bank do? It accepts deposits from the public. Yes, it keeps certain percentage of it with itself and it lends out the rest to those who are in need of money, thereby earning interest. ये जिनसे डिपॉजिट लेता है उनको उसके बदले कुछ इंटरेस्ट देता है, से 4% देता है, और उनके फंड्स फर्दर दूसरे सेक्शन ऑफ लोगों को दे देता है जिनको पैसों की जरूरत है, और उनसे इंटरेस्ट चार्ज करता है. ये जो इंटरेस्ट चार्ज करता है दैट इज मच मोर देन द इंटरेस्ट विच इज गिवन टू द डिपॉजिटर्स. लेट अस सी 8%. ये जो डिफरेंस है इसका, इसको हम स्प्रेड कहते हैं. क्या कहते हैं? स्प्रेड. व्हाट इज स्प्रेड? इट्स द डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट चार्ज्ड ऑन द लोन्स एंड द इंटरेस्ट गिवन ऑन द डिपॉजिट्स. समझ में आया? ये जो स्प्रेड है इससे बैंक अपना खर्चा निकालता है, अपने प्रॉफिट्स निकालता है. ठीक है. अब लेट अस से लेंडर्स आर इन नीड ऑफ मनी. बैंक के पास 100 करोड़ रुपए पड़े हैं, 10 करोड़, 10% इसकी लीगल रिजर्व रेशियो है, ये 90 करोड़ लेंड आउट कर सकता है. बट पीपल आर इन नीड ऑफ 110 करोड़ ऑफ मनी. व्हाट विल अ कमर्शियल बैंक डू? It wants loans. So, in case he fails to generate funds from any other source, the bank can ask the central bank to lend it money. Like I told you yesterday, RBI का role आपके grandparents की तरह है. Friends को party देनी है, पैसे नहीं मिल रहे, last resort दादा दादी के पास चले जाते हैं. ठीक है. जिनके ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनको पता होता है इस बात का कि अगर और कहीं से काम नहीं हो रहा, दे आर अवर लास्ट रिजॉर्ट. पेरेंट्स को मनाना है, ग्रैंड पेरेंट्स को बोल दो. सेम इज द रिलेशनशिप ऑफ आरबीआई. अगर कमर्शियल बैंक्स के पास कहीं और से फंड्स अरेंज नहीं हो रहे और उसको फंड्स की जरूरत है, तो सेंट्रल बैंक एक्ट्स एज ए लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट. उसको वो फंड्स दे देता है लोन की तरह. कैसे देता है? ऐसे नहीं दे देता, अच्छा ये ले 10 करोड़ रुपए पकड़ ले, 20 करोड़ रुपए ले ले. अगेंस्ट अप्रूव्ड सिक्योरिटीज. सिक्योरिटीज के अगेंस्ट देता है. और सिक्योरिटी, जैसे हम लोगों को लोन लेना है, हम सिक्योरिटी क्या रखते हैं? घर रखते हैं, कार रखते हैं, फिजिकल एसेट्स रखते हैं. बिजनेसमैन को लेना है वो अपना लैंड रख देता है, मशीनरी रख देता है, करंट एसेट्स भी रख देता है. अब कमर्शियल बैंक ये एसेट्स नहीं रखेगा, उसके पास सिक्योरिटीज है, पेपर सिक्योरिटीज जो कि गवर्नमेंट के द्वारा अगर अप्रूव्ड है, या बिल्स ऑफ एक्सचेंज है. पता है ना बिल्स ऑफ एक्सचेंज का कंसेप्ट? पता है ना बेटे, प्लस वन में किया है ना, वो डिस्काउंट कराते हैं ना हम कमर्शियल बैंक से. तो कमर्शियल बैंक के पास वो पड़े हुए बिल्स ऑफ एक्सचेंज, आपने कहां से डिस्काउंट कराया? कमर्शियल बैंक से. कमर्शियल बैंक आपके बिल्स कहां से करवा लेगा डिस्काउंट? आरबीआई से. सो यहां बिल्स ऑफ एक्सचेंज या बाकी अप्रूव्ड सिक्योरिटीज देके वो आरबीआई से लोन ले सकता है, विच मींस सेंट्रल बैंक एक्ट्स एज ए लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट. ओके, सो सेंट्रल बैंक एक्ट्स एज ए क्लियरिंग हाउस. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लियरिंग हाउस? एनीवन? क्लियरिंग हाउस का मतलब क्या होगा? कुछ एक गैस लगाओ. ओके, अकाउंट सेटल कर देता है. ठीक है. सो हियर इज बेटे अवर आरबीआई.
and these are the different banks. Because RBI is the apex bank and all the banks out of their certain percentages are required, out of their total deposits are required to keep certain deposit with RBI. ठीक है, तो ये जितने भी बैंक हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, ये हमारा आरबीआई है. इन सब ने अपने लेट अस से सीआरआर 3% है. अगर इसके पास 100 करोड़ का डिपॉजिट है तो ये 3 करोड़ आरबीआई के पास जमा कराएगा. मतलब ये ए बैंक है, आरबीआई ने ए बैंक का एक अकाउंट खोला, उसमें 3 करोड़ क्रेडिट कर दिया. मतलब भाई आरबीआई के पास ए बैंक का 3 करोड़ रुपया पड़ा हुआ है. ठीक है, इसी तरह बी के पास 50 करोड़ का डिपॉजिट है, उसका 3% रखना है, 1.5 करोड़ बना. इसी तरह सी डी ई एफ जी, हर एक की अलग अलग अमाउंट इसके पास पड़ी हुई है. ठीक है, अब आज के टाइम पे और जब से बैंकिंग सिस्टम स्टार्ट हुआ है, बैंक्स इंटरडिपेंडेंट है. इंटरडिपेंडेंट कैसे हैं? आपका अकाउंट है बेटे बैंक में, किसी एक बैंक में. आपका है कौन से बैंक में? एसबीआई. आपका एचडीएफसी, एसबीआई. चलो, हर एक का अकाउंट किसी डिफरेंट बैंक में है, मेरा भी एसबीआई में. ठीक है, अब मैंने आपको पेमेंट करनी है, मैंने प्रथम को पेमेंट करनी है. मैंने प्रथम को, क्योंकि मेरा अकाउंट तो एसबीआई में है, मैं तो एसबीआई की चेकबुक में से दूंगी. मैंने 1 लाख रुपए का इसको चेक काट के दे दिया. ठीक है, इसका अकाउंट कहाँ है? एचडीएफसी. ये एचडीएफसी जाएगा, वहां इसने अपना चेक लगा दिया, इसके अकाउंट में 1 लाख आ गए. यू नेवर बॉदर टू थिंक हेयर द टू बैंक्स आर इन्वॉल्व. मैंने जब 1 लाख का चेक प्रथम को काट के दिया तो मेरे अकाउंट में से 1 लाख रुपए डेबिट हो गए, माइनस हो गए. और एचडीएफसी बैंक में जब इसने अपना चेक लगा दिया, यहां पर 1 लाख रुपए क्रेडिट हो गए. यस, सच काइंड ऑफ ट्रांजेक्शंस टेक प्लेस डेली इन लार्ज नंबर, न्यूमरस ट्रांजेक्शंस. इसने मुझे चेक काट के दिया 50,000 का. ठीक है, इसका बैंक है सी, तो जब इसने मेरे को चेक काट के दिया, इसके अकाउंट में से 50,000 डेबिट हो गए, मेरे अकाउंट में 50,000 डेबिट क्रेडिट हो गए, ऐड हो गए. यस, सो इसी तरह कुछ प्लस कुछ माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस होता रहेगा. लेट अस कंसीडर ओनली दीज टू बैंक. इस बैंक के पास 10 चेक आए इसके लिखे हुए. ठीक है, मतलब एचडीएफसी के 10 चेक एसबीआई के पास आए, जो एचडीएफसी में से डेबिट होने थे. सॉरी, एचडीएफसी ने एसबीआई, मैंने एचडीएफसी, आपने मेरे को एचडीएफसी का दिया चेक, मैंने अपने अकाउंट में लगाया, मेरा बैंक मुझे देगा ना, मुझे देगा. इसका मतलब एसबीआई ने अपने कस्टमर्स को लेटर से टोटल 50 लाख रुपए देने हैं, जो कि उसने कहां से लेने हैं? एचडीएफसी से लेने. किससे लेगा बेटे? एचडीएफसी के चेक है ना, तो एसबीआई ने दे दिया अपने कस्टमर को 50 लाख. कोई इसने लेके आया, कोई ये लेके आया, अलग अलग कस्टमर को लगाए. एट द एंड ऑफ द डे उसने देखा 50 लाख के चेक एचडीएफसी के थे, जो कि इसने अपने कस्टमर को पे किए. इसका मतलब एचडीएफसी की कितनी देनदारी बनती है टुवर्ड्स एसबीआई? 50 लाख.
इसने इससे 50 लाख लेने, ठीक है। अब इसने जब एट द एंड ऑफ द डे देखा तो इसके पास कितने कस्टमर थे जो एसबीआई का चेक लेके आए थे, तो इसने अपने उस पैसों में से उनको पैसे दिए। यस, इन ऑल लेट अस, ये 50 लाख था, लेट अस से 1 करोड़ अब इसकी लेनदारी है एसबीआई से, ए बैंक से, ठीक है। अब आप ये सोचो एट द एंड ऑफ द डे क्या ये अपना एक बंदा भेजे इसको कि भी चलो जी हमने 50 लाख के आपके चेक लगाए, इसको 50 लाख दे देना। वो कहेगा अच्छा ठीक है मैं भी अपना भेज रहा हूं, आप 1 करोड़ दे देना। इंस्टेड इनकी आपस में देनदारी कितनी है, 50 माइनस हो गया, 50 लाख रह गया 1 करोड़ में से, इसने इससे 50 करोड़ लेना है। तो इंस्टेड ये आपस में कैश का लेन देन करें, आरबीआई ने यहां देख बैठे बैठे देख लिया कि एट द एंड ऑफ द डे हमने ए से बी में 50 लाख रुपए ट्रांसफर करने हैं, तो आरबीआई ने, क्योंकि ये सेंट्रल है, क्लियरिंग हाउस फंक्शन परफॉर्म कर सकता है क्योंकि इसके पास सबके अकाउंट सेंट्रलाइज्ड हैं, सबके पैसे पड़े हुए इसके पास, है ना। तो इसने क्या किया, इसमें से 50 लाख माइनस कर दिया और इसको 50 लाख क्रेडिट कर दिया। By doing this, least use of cash is involved. Just by making debit and credit entries in their respective accounts, interbanking claims have been settled by RBI. Yes? इसको ऐसे समझो, ये brothers हैं, ये जितना भी कमा के लाते हैं ये उसका कुछ हिस्सा आपके grandparents को दे देते हैं, ठीक है। अब ये ब्रदर ने बोला मैंने तेरे बच्चे की अभी फीस दे के आया हूं 10,000, तू मेरे को 10,000 दे दे, ठीक है। तो इसने बोला मैंने उस तेरे इतने पैसे दे, मैंने तेरा एक काम किया है 5,000 का, तो तू मेरे को 5,000 दे, फिर मैं तेरे को 10,000 देता हूँ। तो दादाजी ने कहा ऐसे करो, मेरे पास तुम्हारे पैसे पड़े हैं, मैंने तुम्हारे सबके अकाउंट खोले हुए हैं। उन्होंने क्या किया, या उन्होंने अलग अलग पर्सेस लगाए हुए, वॉलेट लगाए हुए, इसमें ए का, इसमें बी का, इसमें सी का, तो उन्होंने ए ने जितने देने थे उसके अकाउंट में डाल दिए, जो सी ने उसको देने थे वो उसके अकाउंट में डाल के सेटल कर दिया क्लेम। आपस में क्लेम्स किसने सेटल कर दिए, दादाजी ने, कि वो पिक्चर में ही नहीं आए। इज इट क्लियर। सो इंस्टेड कि आप एक दूसरे से मांगो, आपके आपने एक अकाउंट रखा हुआ है जहां पे आपने अपने अकाउंट कुछ परसेंटेज वहां डिपॉजिट कराए हुए, तो वहां पर क्लेम सेटल हो जाते हैं, ठीक है। सो विद द लीस्ट यूज ऑफ कैश इंटरबैंकिंग क्लेम्स गेट सेटल्ड बिकॉज आरबीआई एक्ट्स एज ए कस्टडियन ऑफ कैश रिजर्व्स, ठीक है। डेली ट्रांजैक्शंस, न्यूमरस ट्रांजैक्शंस, हु इज द सुपरवाइजर, द वन हु ओवरलुक्स द अदर्स, ठीक है, जो दूसरों की फंक्शनिंग को ओवरलुक करता है ताकि सब ठीक से चलता रहे, स्मूथली चलता रहे। आई गेस आपने बिजनेस स्टडीज में सुपरवाइजर पढ़ा होगा, अभी नहीं आया होगा, चलो। सुपरवाइजर इज द वन हु सुपरवाइजेस, वन हु ओवरलुक्स द फंक्शनिंग ऑफ दोज हु आर वर्किंग अंडर इट। तो बेटे देखो, इतने सारे कमर्शियल बैंक्स हैं और सेंट्रल बैंक एक एपेक्स बॉडी है, उन सबके ऊपर टॉप मोस्ट बॉडी है, तो उसका फर्ज बनता है कि वो सारे कमर्शियल बैंक्स को सुपरवाइज करे, उनकी फंक्शनिंग को मॉनिटर करे ताकि हमारा बैंकिंग सिस्टम स्मूथली चलता रहे, ठीक है। सो एज अ सुपरवाइजर वो क्या फंक्शन परफॉर्म करती है, अगर कुछ बैंक अपनी ब्रांच एक्सपेंशन करना चाहता है, डिफरेंट एरियाज में ब्रांचेस खोलना चाहता है, तो उसको आरबीआई से परमिशन लेनी पड़ेगी, ठीक है। अगर दो बैंक्स आपस में मर्ज करना चाहते हैं, आरबीआई की परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर कोई नया बैंक आना चाहता है, ठीक है, उसको भी आरबीआई की परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर कोई बैंक लिक्विडेट करना चाहता है, डिसॉल्व होना चाहता है, वाइंड अप करना चाहता है, इट हैज टू टेक द परमिशन ऑफ आरबीआई। इन दिस वे आरबीआई एक्ट्स एज ए सुपरवाइजर, राइट। हाँ जी।